वहीं कोरोना वायरस ने राजस्थान के 22 जिलों में दस्तक दे दी है। प्रदेश में अब तक 328 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं और चिकित्सा विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। वहीं भीलवाड़ा में काफी हद तक कोरोना संक्रमण को काबू में कर लिया गया है और भीलवाड़ा की तर्ज पर ही जयपुर सहित उन जिलों में भी काम किया जा रहा है जहां कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि 8 जिलों में कोरोना जांच की सुविधा शुरू कर दी है। अब तक करीब 16,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। संदिग्ध और मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी लोगों की रैंडम जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। रामगंज की भौगोलिक परिस्थिति और बसावट, ये वॉल सिटी में जो लोग बसे हुए हैं, ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। एक एक मकान, जो पुरानी हवेलियां बनी हुई है, उस एक एक मकान में कई कई फैमिलीज रहती है और वहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अपने आप में एक चुनौती है। तो हम लोग क्वारंटाइन फैसिलिटी को इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि अगर हमको वहां से लोगों को उठा के और क्वारंटाइन भी करना पड़े तो हम सोशल डिस्टेंसिंग एंश्योर करने के लिए उनको वहां से उठाएं। मॉडल तो भीलवाड़ा ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल मेजर्स भी हमको लेने पड़ेंगे और वो मेजर्स हमने चर्चा कर ली मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारे अधिकारियों के साथ और मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम के साथ। उसी रूप में जो आज फैसला लिया गया है कि निम्स के अंदर जो पेशेंट थे उनको कोई और जगह शिफ्ट किया जा रहा है, और जगह जो चिन्हित हमने किए उन जगह पे चिन्हित जगहों पर क्वारंटाइन फैसिलिटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रखा गया है। क्योंकि अगर होम आइसोलेशन की बात भी कहेंगे रामगंज में, तो भी एक कमरे में 5 लोग रह रहे हैं, कैसे वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी वहां, उस परिस्थिति को भी देख के और आगे कदम उठा रहे हैं हम लोग। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि जिस मुस्तैदी से स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हुई है, हमारा प्रशासन लगा हुआ है, पुलिस के जवान लगे हुए हैं और हमारे आला अधिकारी लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं, हम